फोटो लेते रहो आइए सर आइए आप आइए सर पहले बुजुर्गों को सही करवाएंगे सर माला का प्रोग्राम पानी देना दस ज़्यादा शान शान नहीं थोड़ा सा हल्ला भाई ज़्यादा पीले चीज़ नहीं जो जंतु हमें हिम्मत दिलवाए आपका बहुत स्पोर्ट है सर। यह है अरविंद जी और सब पधार चुके हैं विकास जी और हमारे स्पेशल चीफ गेस्ट नितेश मीणा तो ये हैं और स्वागत करेंगे हम सभी लोग इनका जोरदार बस आइए सर और ये कमेंट्री कर रहे हैं हमारे ग्रेट अपलाइन अरुण मीणा जी ये बहुत ज़रूरी है आज ये जो ए टू जेड एजुकेशन सेंटर फैजाबाद की ओपनिंग होने जा रही है और उसका ये ग्रेट 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 लीडर नितेश मीणा जी का स्वागत कर रहे हैं साथ में हैं हमारे विकास गौतम जी और साथ में हैं अरविंद जी और स्वागत करने वाले हैं हमारे भीषम चौहान एंड डॉक्टर साहब डॉक्टर कुकरेलिया जी आइए सर आइए वेलकम वेलकम बहुत शानदार बधाइयाँ और आपने इसका बीड़ा उठाया है सबको सक्सेस कराने का इसलिए बहुत शानदार राहुल जी तो शामिल है राहुल जी तो हमेशा शामिल है हमारे जो गेस्ट हैं चीफ गेस्ट बोल सकते हैं वो आ चुके हैं और हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं तो मैं सबसे पहले नितेश जी को बुलाना चाहूँगी उनके बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत सारे मतलब लाखों लोगों की वो लाइफ को टच कर चुके हैं और आने वाले टाइम में करोड़ों अरबों लोगों की लाइफ को टच करने वाले हैं अपने आप में एडमी में एक नाम बन चुके हैं और बहुत ही छोटी एज में उन्होंने ये जब कहते हैं ना कि अभी वो क्या है अभी वो भाई जवानी है या फिर यंग टाइम है अभी तो बस क्या मौज मस्ती करो ऐश करो लेकिन उन्होंने उस टाइम में इस बिजनेस को समझ के इस अपॉर्चुनिटी को समझ के एक डिसीजन लिया और आज उस डिसीजन का ही नतीजा है अपने आप को थोड़ा सा सबमिसिव करने का ही नतीजा है कि आज वो इस मुकाम पर है तो हेल्प मी वेलकम डायमंड मास्टर ऑल द वे फ्रॉम जयपुर नितेश मीणा सबसे पहले तो आज के इस ऐतिहासिक दिन पे माय सेल्फ नितेश मीणा ए टू जेड बीबीआई फरीदाबाद ए टू जेड बीबीआई एजुकेशन सेंटर के अंदर आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ वेलकम ऑल स्वागत फ्रेंड्स आज का दिन है ना बड़ा ही फैंटास्टिक दिन है आप मान सकते हैं और आज का दिन ऐसा दिन है आज से यहाँ पे बैठे हर एक इंसान की जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है अगर आपने डिसीजन इस बिजनेस में लिया है तो डेफिनेट ऑलरेडी वो दिन आ चुका होगा लेकिन आज इस माहौल को समझ के आप वो कर सकते हैं जो आज तक आपने नहीं सोचा होगा
लखिया नहीं सोचा कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। इस मीटिंग को शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं मेरे बारे में बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग नए और मैं भी पहली बार आज फरीदाबाद में ऐसी मीटिंग के अंदर आया, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। आर यू रेडी? आप तैयार है? देखो बूढ़ी नानी जब तक कहानी सुनाती है जब तक यसनों का रिस्पॉन्स मिले। आपको पता है ना, जब लोरी नानी अपने दोहिते को सुनाती है कब तक सुनाती है? जब दोहिता जगा हुआ होता है। उसके बाद लगा कि ये दोहिते का इंटरेस्ट है तब तक वो सुनाता है, अन्यथा वो लोरी बंद कर देती है। जैसे लगा कि सो गए तो बंद, तो मुझे लगना चाहिए कि जब तक आप लोग इंटरेस्टेड हैं सुनने के लिए तब तक मैं सुनाता रहूँगा। सारी तैयार? आप भी रेडी? जब जब मौका मिले ताली बजाएंगे, जब जब मौका मिले यशनों का रिस्पांस कंटिन्यू देते रहेंगे। अच्छा आ गया, अब जब नेटवर्क मार्केटिंग में स्टार्ट में हम जाते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि कौन कंपनी सही है कौन गलत है हम जज नहीं करता। और लास्ट मैंने वन ईयर जब जॉब कंपनी में काम किया तो मुझे ये चीज़ समझ में आ गई थी कि कौन सी कंपनी सही होती है कौन सी गलत होती है। तो आपने देखा होगा 4P का एक फॉर्मूला होता है। मैक्सिमम कंपनी को जब हम स्टडी करते हैं तो कंपनी की प्रोफाइल क्या है, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, कंपनी का पेआउट सिस्टम क्या है, कंपनी की प्लानिंग क्या है, विजन क्या है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती है यानी होती है यानी। तो वैसे ही मैंने मेरे को लगा कि यानी 4P को स्टडी करके अगर हम किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो डेफिनेट अच्छी कंपनी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने 2 साल और उसी के साथ मेरी टीम से 11 तारीख से लेकर 15 तारीख तक टोटल मेरे डाउन में 6 डायमंड मास्टर और 42 सेल्स मास्टर। एक चीज़ मुझे समझ में आई, अगर प्री लॉन्चिंग में कोई इंसान अगर इतना संघर्ष करके इस लेवल पे आ सकता है तो लॉन्चिंग के बाद हमने जो काम 28 महीने में किया वो काम दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था। आज आप लोगों के पास दिखाने के लिए सब कुछ है, आपके पास दिखाने के लिए अपलाइन है, दिखाने के लिए आपके पास एक अच्छी इनकम अपलाइनों की, दिखाने के लिए एक अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, दिखाने के लिए कंपनी का मैनेजमेंट है और ऑनलाइन वन डे सेमिनार सक्सेस सेमिनार सब कुछ ऑलमोस्ट आपके पास अवेलेबल है। तो हम उससे ज़्यादा इस पिक्चर आप लोग काम में कर सकते हैं। और आज मेरी टीम के अंदर करीब करीब 60 सेल्स मास्टर है और करीब करीब 7 डायमंड मास्टर है जो कि लाखों रुपये महीने कमा रहे हैं। तो ये छोटी सी जर्नी समझ में आई होगी कि कहाँ से हमने शुरू किया और आज आप लोगों के सामने है। आज ऑलमोस्ट जैसे आप इस सेंटर में बैठे हुए हैं ऐसे मेरे गाँव में करीब करीब 5 सेंटर आज हमने यहाँ पर ओपन किया जो कि बहुत ही मोस्ट मेरे को लग रहा काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव आप लोगों ने डिजाइन किया। तो मैं चाहता हूँ एक बार डॉक्टर कुकरेजा जी के कुकरेजा जी हमेशा इनसे मैं खुद इंस्पायर्ड होता हूँ, इनसे मैं खुद मोटिवेट होता हूँ। ये बोलते हैं मैं 60 साल का एक छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा बच्चा हूँ, जब ये बात जब ये बोलते हैं ना तो मैं भी इंस्पायर्ड होता हूँ। मैंने कहा जब ये इंसान 60 साल की उम्र में इतना पागलपन रख सकता है तो नितेश अभिते की उम्र तो 23 साल है, अगर तूने 23 साल से लेकर 60 साल तक ये पागलपन रख लिया तो तू कहाँ का सोच नहीं सकता। तो ऐसे अपलाइन आप लोगों के हैं, इसके अलावा विषम सर हुए, अरुण मीना सर हुए, राहुल सर हुए, इधर अरविंद जी, जितने भी लोग हैं ना एक से बढ़ के एक बोलते ना जुझारू लीडर है, एक से एक मतलब पागलपन वाले लोग हैं। अगर इन लोगों की संगत में आप रहे तो डेफिनेट आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। और लास्ट में भी यही बोलना चाहूँगा, अगर आपने सिस्टम पर विश्वास किया, सिस्टम पे अगर विश्वास किया, आपके अपलाइन पे अगर विश्वास किया और इन सब के बाद अगर आपने अपने आप पे विश्वास किया तो डेफिनेट आप इस कंपनी के अंदर इंपीरियल मास्टर बन सकते हैं, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। सेशन को कंटिन्यू करते हैं और फिर से मैं इनवाइट करना चाहता हूं विषम सर के लिए, एक बार जोरदार ताली हो जाए। तो बहुत फैंटास्टिक कपल है और एकदम बोलते हैं कि मिलजुल के इतने काम को इतने डेडिकेशन और पागलपन के साथ करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है जब मैं इनसे बात करता हूँ। रात को 1-1 बजे ये सोने नहीं देते, ये हमेशा से बोलते हैं बोला अपलाइन की जितनी काम खींचनी है खींच होते बोला इससे बढ़िया कोई मौका नहीं होगा। अभी जब एक बार जबरदस्त आ रही है और अब समय आ गया है आपको रिकॉग्नाइज करने का। और नितेश मीना जी को सुना आपने, सोचिए जब प्रोडक्ट नहीं थे, कंपनी नहीं थी, लोग क्या बोलते होंगे। रियली आज तो सब कुछ है, पे आउट है आपके सामने, आपके सामने एजुकेशन सेंटर्स हैं, बैठने के लिए जगह है, ऑफिस है, सब कुछ है। तो
तो उसके बाद 11 नवंबर के बाद कुछ लोगों ने अपने आप को प्रूव किया और इस बिज़नेस में जो फर्स्ट लेवल है, जो प्रेस्टीजियस लेवल है, उसको बोलते हैं एजेंट लेवल। तो मैं उनको रिकॉग्नाइज करना चाहूँगा। एजेंट लेवल पे हमें 3 लाख पीवी एक्यूमुलेट करने होते हैं और मैं बुलाना चाहूँगा आप जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं सभी एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। जितने भी एजेंट लेवल पे हैं आप प्लीज़ नितेश मीना जी को, पहले उनको हम लोग रिकॉग्नाइज कर देते हैं और उसके बाद इनके बारे में जानेंगे 2 से 3 मिनट के बारे में। प्लीज नितेश मीना जी, छोटा ताली सबके लिए, पर जबरदस्त ताली। जोरदार तालियां। ये पेन आपको इंटरव्यू मास्टर तक लेके जाएगा, ये नॉर्मल पेन नहीं है। तालियों में संतुष्टि होनी चाहिए। इधर तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो मैं यहाँ सभी बैठे अप्लाइंस को धन्यवाद करना चाहूँगी और सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने यहाँ फरीदाबाद में एजुकेशन सेंटर को ओपन किया और हमें यहाँ आने का मौका मिला। ये भी हमारे सौभाग्य की बात है। और मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी, मैं आरती जैन गाजियाबाद से हूँ और ये मेरे हस्बैंड नवीन जैन जी गाजियाबाद से, और हम दोनों को यहाँ आने का मौका मिला। बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से मिलके और बिज़नेस में भी काफ़ी मज़ा आ रहा है, इंटरेस्टेड है बिज़नेस को करने में हम बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये बिज़नेस जब हमने ज्वाइन किया था या जब हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ था तो मुझे नहीं पता था कि मेरा एटॉर्नी में रजिस्ट्रेशन हो चुका था, क्योंकि मेरे जो अप्लाई हैं वो हैं आनंद शर्मा सर जो डिस्ट्रिक्ट एटा से बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने मेरी आईडी को ज्वाइनिंग में लगा दिया, बट मुझे नहीं पता था क्योंकि ये नवंबर 2019 में मेरी आईडी यानी कि ज्वाइन किया गया था। बट मैंने जो बिजनेस की स्टार्टिंग थी वो मार्च 2020 में की थी, क्योंकि जो फर्स्ट प्लान था मेरा जो एटॉमिका का वो दिखाया मुझे हमारे अपलाइन ग्रेट भीष्म सर एंड पूनम मैम,
और हमारे अपलाइन आरंभ शर्मा सर, ये दोनों जब वैशाली गाजियाबाद के अंदर आए थे तो इन्होंने मुझे फर्स्ट प्लान दिखाया और मैंने उस बिजनेस को समझा। फिर मैंने एक मीटिंग रखी थी कुछ लोगों की, जो 30-35 लोगों के लिए मैंने इनवाइट किया था। उस मीटिंग में पूनम मैम भी आई थी हमारी और भीषण सर भी आए थे और उन्होंने बहुत अच्छी मीटिंग वहाँ सभी को समझाने में हमारा समर्थन अभ्यास कराया और उसके लिए मैं भीषण सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। पूनम मैम का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारा जो साथ है वो अभी तक हमें दे रहे हैं और जो भी आगे मैं बिज़नेस के लिए जिस किसी को भी इन्वाइट करती हूँ या मुझे कोई नॉलेज चाहिए होती है तो हमारी पूनम मैम है जो प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छा जानती है, मैं उनसे कंसल्ट करती हूँ, करवाती हूँ और सारी मीटिंग्स हम ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत अच्छे से बिज़नेस को सीख रहे हैं और सीखने के साथ साथ हम बिज़नेस को बहुत अच्छे से बिल्ड कर रहे हैं क्योंकि मेरी जो टीम है वो मेरी 2000+ में होने वाली है, कन्वर्ट होने वाली है। तो बहुत मज़ा आ रहा है, इंटरेस्टेड लग रहा है अटोमी को करने में और हम दोनों हस्बैंड वाइफ कर रहे हैं इस बिज़नेस को, पर मैं ज़्यादा कर रही हूँ तो मेरे हस्बैंड का भी बहुत सपोर्ट रहता है, उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी क्योंकि ये सपोर्ट ही है जो इस बिज़नेस को आगे ले जाने वाला है। क्योंकि जो सपोर्ट होता है ना, पहले तो फैमिली, क्योंकि फैमिली ही हमारी सपोर्ट करती है जब हम आगे कदम बढ़ा पाते हैं। तो जो भी बाहर निकलने के लिए या किसी से बात करने के लिए, क्योंकि वो फैमिली का एक फेथ क्रिएट होता है। तो मैं अपने हस्बैंड को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो मुझे इस बिजनेस में सहयोग करते हैं। तो थैंक यू सो मच। आप अपना नाम बता दीजिए और कहाँ है, बस ये शुरुआत है आपकी। मैं नवीन जैन जसानी गाड़ीवासी हूँ, तो मेरी तारीख आती है। मैं सब मेरा सब बर्तन का शौक है, बर्तन की दुकान है मेरी, मैं वहाँ पे रहता हूँ। बहुत बढ़िया, नमस्ते नवीन जी। थैंक यू, थैंक यू सो मच। वैसे बीबी के सामने किसी की आवाज़ निकलती नहीं है, मैंने भी देख लिया, इसीलिए मैंने अपने वाइफ को लाया। नहीं लाना है सर, लाना है नेक्स्ट टाइम। ओके, थैंक यू। मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं आईटी फील्ड से हूँ, गुड़गांव में जॉब करता हूँ, अभी फिलहाल वर्क फ्रॉम होम है और मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का एंड तक नहीं पता था होता क्या चीज़ है रियली में। तो हमारे यहाँ आदमी आता है, तो उसकी औरत आती है काम करने के लिए, तो उन्होंने बोला कि भैया ऐसी सी बात है कि आप कर लो, मेरे हस्बैंड से मेरे कोई बात नहीं किया जाता है, मैंने ऐसे नॉर्मल ले लिया। तो उस शख्स ने जिसने मेरे को, मैं उसके नीचे हूँ, मुझे भैया भैया करके ही मिलता है, तो मुझे ये नहीं पता था उस शख्स के पीछे कितने लोग लगे हैं, इसे कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। हमें ऊपर तक लोगों से बात हुई और सम्मान मिला और हमारे सबसे जो मैं उनको धन्यवाद करना चाहूँगा, हमारे केडियन सारे जी हैं, ये टॉर्च बियरर हैं हमारे लिए, और डॉक्टर साहब हैं कुकरेजा जी, ये हमें बाद में मिले, लेकिन मैंने देखा कि जो टॉर्च बियरर था उससे बड़ा भी बियरर, मतलब एक छोटा सा टॉर्च दिखा था उससे बड़ा लैंप लेके हमारे डॉक्टर साहब हैं कुकरेजा जी। तो इन लोगों को मैं बहुत बहुत हमेशा धन्यवाद दूँगा क्योंकि इन्होंने जो मुझे प्लेटफॉर्म दिया है, और सर से भी रूबरू होते रहते हैं जूम से, जो टेक्नोलॉजी हम इन लोगों को जोड़ रही है और बाकी सभी लोग जाने पहचाने चेहरा हैं। तो इस बिज़नेस का करने का सबसे बड़ा मज़ा या फ़ायदा ये है कि आपको इज्जत तो बहुत मिलती है। यदि आप कमाना चाहते हैं तो लोग इज्जत के लिए कमाते हैं, आप पैसे भी कमाओ इज्जत भी कमाओ तो ज़्यादा क्या है आपका। यदि आपको दोनों चीज़ें मिल रही तो आप बेशक से अपनी ज़िंदगी का आनंद लीजिए, और इसमें ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जैसे 7 साल का बच्चा भी मिला था अभी है हमारे साथ, हमें कभी कभी डर लगता है पोलियो वाले को भी ना भेज दिए, पोलियो को मिला कभी, क्योंकि उम्र अपना डेफिनेटली बताते नहीं है, छिपाते हैं, ये भी एक मजे की बात है। तो मैं कहूँगा कि आप जितने लोग जुड़े हो चाहे जैसे जुड़े हो, इसको सीरियसली लें, पैशंस से काम करें, बिना पैशंस से आपको कुछ नहीं मिलेगा। जैसे हमारा एक छोटा बच्चा भी है, हमें भी उसको 21 साल का वेट करना पड़ेगा पैसा कमाने के लिए, अभी से ही हम उसको इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये भी एक बिज़नेस है, इन्वेस्टमेंट करिए। सबसे मज़ेदार वाली बात यह है कि यदि आप सरकारी एम्प्लॉई होंगे, जो भी होगा, जो पुराने हैं उनको तो पेंशन मिलेगा, लेकिन जो नए हैं बेचारे, ना प्राइवेट में फ़र्क है ना सरकारी में फ़र्क है, फ़र्क सिर्फ इतने हैं कि कोरोना में उनको फुल पेमेंट मिला, प्राइवेट वाले को नौकरी नहीं मिली और बस पेमेंट भी कट गया। तो यदि आप इस बिज़नेस को करते हैं
टॉपर, तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि आप जिस दिन बूढ़े होंगे बैठेंगे आपका पेंशन तो आपके नीचे डाउन लाइन वाला देता जाएगा, उतनी जिंदगी आसान से करेंगे ये भी बच्चे, तो जो आपके बच्चे होंगे वो तो प्राउड फील तो करेंगे तीन जनरेशन तक। मैं अपने ईमानदारी से काम करिए, पैशन से काम करिए, और अपने जो अपलाइनर है जिस तरीके से आप भगवान को टच में रहते हैं तो सेकंड अपना इनको भगवान मान के आप इनको फॉलो करिए, कामयाबी हमारे कदम चुनेंगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। थैंक यू। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत शानदार। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑल फॉर एवरी वन गुड मॉर्निंग। मेरा नाम चंद्रशेखर है, बाय प्रोफेशनल मैं एक आरएफ इंजीनियर हूँ टेलीकॉम सेक्टर में और दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। आज जो ये मुमकिन हो पाया है हमारे ग्रेट अपलाइन डॉक्टर केडियन साड़ी सर टुकेजर सर की वजह से हो पाया है, इनके माध्यम के जरिए ही मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। और छोटा सा मैं यहाँ बोलना चाहूँगा कि इस सिस्टम के डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है ये कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है, जो बंदा इसको सीख करके करता है तो वो अपने ड्रीम के उस लेवल तक जा सकता है जो वो कभी अपने सोच भी नहीं सकता है। अगर आप कोई जॉब कर रहे हो बिजनेस कर रहे हो तो उसमें सिर्फ आप होंडा सिटी तक आप जा सकते हो। अगर आपको ड्रीम फुलफिल करने हैं जिस चीज़ पे उम्मीद रख देनी है उस चीज़ चाहिए, अगर मर्सिडीज चाहिए तो वो इंडस्ट्री सिर्फ एक इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग, आपको मर्सिडीज वहीं से ही मिलेगी और मिल के ही रहेगी, बस आपको डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ेगा। थैंक यू एवरीवन। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अपने सीनियर सभी अप्लाइंस का धन्यवाद करना चाहता हूँ और उन्होंने इस सिस्टम में मेरे को जोड़ा। नाम गजेंद्र है, फरीदाबाद से बिलोंग करता हूँ, बेसिकली इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ और इस बिजनेस को सीख रहा हूँ और साथ में करता हूँ। हमारे स्पेशल साइन डॉक्टर साइन है, उनके साथ काम करता हूँ। सभी को गुड मॉर्निंग, मैं प्रवीण कुमार दिल्ली से, बेसिकली मैं औरंगाबाद बिहार का रहने वाला हूँ, बाय प्रोफेशन मैं एक वेब डेवलपर हूँ और करेंट में मैं एक एनजीओ के साथ काम कर रहा हूँ जो कि हेल्थ सेक्टर पे काम करती है। तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, मेरे ग्रेट अपलाइन मुझे इस बिजनेस में लाने वाले अनिरुद्ध सर हैं, जिनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उनके वजह से मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला और मैं आज इतना सक्षम हूँ कि यहाँ पे बोल पा रहा हूँ, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मेरे ग्रेट अपलाइन है राजेश सतनामी सर, मनोज सर, विकास गौतम सर और वो सारे टोमी लीडर्स, जिनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज मैं इस सभा की बात करूँ तो भीषम चौहान सर, पूनम मैम, विकास गौतम सर, नीतीश मीना सर, अरुण मीना सर और रेजा सर और सभी वो लीडर्स जिनसे मैं इस बिजनेस को सीख रहा हूँ और बिल्ड कर रहा हूँ, वो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा कि मुझे ये लगता है कि जो मैंने अनिरुद्ध सर के अंदर चेंजेस देखे वो मैंने चेंजेस को देख के और इस बिजनेस में आया, और मैं ये बिलीव करता हूँ कि हम इस बिजनेस को यदि कर रहे हैं तो हो सकता है कि पैसे थोड़े लेट से कमाएंगे, लेकिन जो चीज़ें इस बिजनेस से सीखेंगे ना वो ज़िंदगी के हर एक पार्ट में वो काम आएगा। हम कोई भी बिजनेस करें या लाइफ में कोई भी जर्नी मिले या फैमिली प्रॉब्लम हो या लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं फील करता हूँ कि इस बिजनेस में आके मैं खुश रहना सीख गया, चाहे लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम आए जाए लेकिन मैं खुश रहना हर सिचुएशन के साथ जीना सीख लिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। इनके लिए तो जोरदार तालियां, ये हैं हमारे केडियन साड़ी जी, इनके बिना ये पॉसिबल था नहीं। सबके लिए जबरदस्त तालियों की वो भी हमारी एक और छोटी वाली भी है। हाँ आप तो खड़े नहीं। अच्छा तो बैठना है। यस मेरी
शादी को 2007 में ही मैरिज मिली, 13 साल से ऊपर हो गया। ठीक है, ये पहला चांस है कि हम लोग एक साथ में नेटवर्क मार्केटिंग में ये मीटिंग में आई मैडम। लग भी रहा है ये शर्मा रही है क्योंकि इनको पहली बार ये माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि घर से निकलने का मौका नहीं मिलता। सर एक बार यहाँ पे एक बात बोलना चाहूँगा कि सर पहली बार है जब इनकी शादी हुई थी तो शायद इतने बराती वहाँ नहीं गए होंगे। आज स्पेशल मौका है, दो माला सर लोगों को दे दी जाए। ये जो पल हो गए जिंदगी का सबसे इधर पल हो गए। थोड़ा सा इधर हो जाइए अंधारी जी, इधर थोड़ा सा इधर को 23 सितंबर 2019 को स्टार्ट किया था और उसको करते हुए मुझे आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। और 6 अक्टूबर 2019 को इस कंपनी का पहला सेमिनार हुआ था रवाने गालिब में, वहाँ पर ITU के पास है, वहाँ से मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया और यहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा है। और सीख करके ये मेरी पहली और लास्ट कंपनी होगी जहाँ पर मैं अपने पूरे फुलफिल अपने सपनों को पूरा कर सकता हूँ। और मेरे पास बस एक मेरी लड़की है इरावती, ये भी बहुत बड़ी इंपीरियर मास्टर है, अभी आपको दिखेगा। और इसी के ड्रीम को फुलफिल करने का मेरा इरादा है, जो भी ये चीज़ जिस पे हाथ रखे उसका हो जाए यही मेरा इरादा है। आप भी तो बोलो, आप अपना नाम ही बता दो बस। यस, कैसा लग रहा है? नाम क्या है? यस बढ़िया। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, आई एम सो हैप्पी कि आज मैं एटॉमिक कंपनी में आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि आज मेरे पापा एटॉमिक कंपनी में हैं और बहुत अच्छा लग रहा है और एटॉमिक कंपनी बहुत अच्छी है। मेरा नाम सोफिया है। क्या बात है, थैंक यू जोरदार ऑसम कपल के लिए जोरदार तालियां प्लीज। अब मैं इनवाइट करना चाहूँगा बहुत ही प्रेस्टिजियस लेवल हमारे स्पेशल एजेंट, और जहाँ पे वो 7 लाख पीडी से लेकर के 15 लाख पीडी तक एक्यूमुलेट करते हैं, बहुत ही जबरदस्त लेवल है और दे हैव डिसाइडेड टू गो सेल्स मास्टर एंड बियॉन्ड। तो मैं इनवाइट करूँगा सबसे पहले हमारे ग्रेट लीडर RM शर्मा जी, राम मोहन शर्मा जी को। और मैं इनवाइट करना चाहूँगा नवीन छावड़ा जी स्पेशल एजेंट, प्लीज जोरदार तालियों के साथ। उनके बाद मैं इनवाइट करना चाहूँगा अनिरुद्ध जी जोरदार तालियों के साथ। मैं इनवाइट करना चाहूँगा रवि शर्मा जी, जोरदार तालियों के साथ। शानदार। यस, जोरदार तालियों से हम। अब मैं इनवाइट करूंगा सबसे पहले हमारे ग्रेट स्पीकर और ग्रेट लीडर राम मोहन शर्मा जी। भाई सर RM शर्मा, और सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा उस परमपिता परमेश्वर का जो मुझे टेलीफोन मार्केटिंग की जो इम्पोर्टेंस है, जो उसकी खूबी है, जो उसका महत्व है, मुझे समझ में आता है।
और उसके बाद मैं फिर उनके अलावा दूसरा धंधा दूंगा। फिर मिस्टर कहीं करता है ब्लड धुंध जा रही है जिन्होंने मुझे एक बार इस ग्रोइंग इंडस्ट्री में दोबारा से जीत सकते क्योंकि मैं 2009 में एमए के साथ काम करता था। 2012 तक मैंने एमए के साथ काम किया। मैंने वहाँ पर अचीवमेंट नहीं लिए लेकिन एक बात मेरे समझ में आ गई कि जिंदगी में एटलास्ट करना है तो वो सिर्फ नेटवर्क इंडस्ट्री मार्केटिंग ही करना या नेटवर्क इंडस्ट्री को ही करना है। और वो एक कहने का लाइफ में जो कुछ होता है तो सारी जो सर्कमस्टेंसेस है जो यूनिवर्स है वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक रिक्रिएट कर देता है। और पता नहीं अचानक मेरे दोबारा कभी मन में नहीं आई कि मुझे अभी स्टार्ट करना है। लेकिन बीसम सर से एक बार मैसेंजर में पता नहीं उनको क्या दिमाग में आई कि आपको करना पसंद कर दिया और मैंने थोड़ा सा रजिस्टेंस दिखाया कि मैं अपने बच्चों की एजुकेशन में ज़्यादा प्रोवाइड करने में ज़्यादा बिलीव कर रहा था कि उनको फ्री कर दूँ तो मैं फिर काम को इसको शिद्दत से करता हूँ। मैंने टाइम लिया बीसम जी से और एट लास्ट मतलब उन्होंने मुझे जुलाई 2019 में ज्वाइन करा एमबीए को। और फिर उन्होंने ही पता नहीं इस इंडस्ट्री को कहाँ से सर्च किया क्या डिसीजन लिया उन्होंने मुझे एटोमी में जम कर। और मैंने एक बार भी मतलब उस बात के लिए रेजिस्टेंस नहीं किया कि आपने ऐसा क्यों किया। उन्होंने मुझे एटोमी का प्लान दिखाया। उन्होंने बहुत ही शॉर्ट में कह दिया कि हमारे ग्रोइंग होने के चांसेस यहाँ जाता। और उस दिन से इस बात के हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर बीसम जी गवाह हैं कि मैंने एक दिन बिना एटोमी के नहीं बताया। और आज भी मैं लगभग 48 आवर्स एटोमी को करता और मैं चाहता हूँ कि मैं इंडिया को एड्रेस करूँ किसी विदेश में दैट इज माय ग्रेट एटोमी के विदेशी भर्ती पर जाके एड्रेस करूँ। मैं इंपीरियल मास्टर बनूंगा या क्या बनूंगा मैं अभी नहीं बता सकता हूँ लेकिन एक ही ड्रीम है सर कि विदेश की धरती पर इंडिया को एड्रेस करूँ। बिल्कुल करेंगे। शानदार शानदार बहुत शानदार धन्यवाद सर। नेक्स्ट क्या बोले सर प्लीज़। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार बहनों को भी नमस्कार। मेरा नाम नवीन छावड़ा फरीदाबाद से बिलोंग करता हूँ। 40 साल से मेरा फार्मा का बिजनेस है और मैंने 25 नवंबर 2019 को रात को यूट्यूब पे संजय मिश्रान सर का एक प्रोग्राम देख लिया। उस पर स्क्रीन से एक नंबर आ रहा था तो अब मैं रात को 12-1 बजे कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता था तो मैंने सुबह ही उसके सबसे पहले उस नंबर पर फ़ोन किया। वो जैसे संजय सर हैं उन्होंने रिसीव किया तो मैंने उनसे डिस्कस किया कि मैं एटोमी को ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। मैंने फरीदाबाद से बात की तो उन्होंने कहा मैं नियर बाई आपको एक समीर शर्मा जी हैं रवि शर्मा जी उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ वो आपसे या आप उनसे बात कर लेना। मैंने कहा सर कोई बात नहीं आप मुझे बतलाइए। तो सुबह ही मेरे पास रवि शर्मा जी का फ़ोन आ गया तो उन्होंने बोला कि आप इंटरेस्टेड हो आपने प्रोग्राम देख लिया। मैंने सर मैंने देख लिया है। कहने के क्या करना है। मैंने कहा सर ज्वाइन करना है। अब इसमें होने के लिए तो कुछ भी नहीं है आने के लिए बहुत कुछ है। कुछ आ गया तो बहुत अच्छा है और नहीं आया तो कुछ गया कुछ नहीं है। तो मैंने तुरंत विद इन अ सेकेंड डिसीजन लिया अपने डॉक्यूमेंट उनको शेयर किए उन्होंने मेरा रजिस्ट्रेशन कर दिया। उसके बाद आज मेरी 12,000+ लोगों की टीम है। मुझे नहीं पता कौन से मतलब 8 कंट्री के अंदर है और तो आज मैं डिसीजन लेने के कारण आज मैं इस लेवल पे हूँ। अभी मैं किसी बड़े लेवल पे तो नहीं पहुँच पाया हूँ लेकिन आज जो मेरा लेवल है आज मैं 10 से ज़्यादा मैचिंग कर चुका हूँ। शानदार शानदार सर। और मैं अपने कुकरेजा सर को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस एजुकेशन सेंटर के लिए। और मेरी ग्रेट लाइन मिस्टर नीतीश मीना जी ही हैं और हम एक ही परिवार से हैं और मिलकर साथ काम करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू बहुत शानदार सर। हमारे ग्रेट अपलाइन रवि शर्मा जी जोरदार तालियां रवि जी के लिए। मेरा नाम रवि शर्मा है मैं गाजियाबाद से हूँ और ये बिजनेस हमने लगभग 1.5 साल पहले राहुल सर ने हमारे को बताया था यही फरीदाबाद में ही। और तेजा सर और मैं अंसारी जी और अजिंदर पवार जी हमने तीनों ने ये बिजनेस देखा था और उसी दिन से निर्णय ले लिया था हम लोगों ने। और हमने लगभग नया बिजनेस अपने खुद के ना 1.5 लाख के प्रोडक्ट मंगा दिए और अच्छा लग रहा है प्रोडक्ट लोगों को दिया था। और बिजनेस में सबसे बड़ी बात है कि आपके सपने होने चाहिए। ये नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है जब तक आपके सपने नहीं होंगे
आपके ड्रीम्स बड़े होने चाहिए, आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, तभी ये बिजनेस करता है। वरना कंपनी सब ज्वाइन करते हैं लेकिन पास कितने होते हैं, 2-3% से ज़्यादा लोग एंड कंपनी में इसलिए पास नहीं होते, तो वो सपने नहीं है। और हम अपना सपना लेके चलते हैं, लोग हमारे पास लगभग 3 लाख के करीब हमारी टीम आईडी है, माइंड है वैसे, और 3 लाख के करीब हमारा जोड़ भी आ चुका है, और हमारे अगले 3 महीने में हमारा 5 लाख पे जाना चाहिए। और नो डाउट इसमें प्रोडक्ट के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। अगर कोई भी इंसान इसमें प्रोडक्ट देखो, सबसे पहले हमने खुद इस्तेमाल करने हैं, पहले खुद इस्तेमाल करो फिर लोगों को करो। और जस्ट अंडरस्टैंड आइए, इंटरनेशनल कंपनी है, ब्रांडेड प्रोडक्ट है, इसमें कितना भी कमा सकते हैं आप, नो डाउट आपके ऊपर, जितना आप चाहो इतना इसमें कमा सकते हैं, आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, आप जाना ना आइए, आपको माल होना चाहिए। थैंक यू रवि जी, बहुत शानदार, थैंक यू। सभी को गुड मॉर्निंग, मैं तनवीर कुमार बेसिकली मैं गया बिहार का रहने वाला हूँ और एक बार मैं अभी दिल्ली में रह रहा हूँ। मैं एक फार्मा कंपनी में हाईवे अकाउंटेंट जॉब करता हूँ और टाइम से हम बिजनेस को सीखा, हमें इस बिजनेस में लेकर आने वाले हैं हमारे अपलाइन हमारे अंकल भी रखते हैं प्रवीण चक्रवर्ती जी, जो सबल होते हैं, उन्होंने हमें इस बिजनेस में लेकर आए हैं, उनको मैं पहले से शुक्रिया अदा करता हूँ, हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है, नाश्ता फोन दिया। और हमारे ग्रेट अपलाइन है अरुणा सर, विकास गौतम सर, और मैं विकास सर को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जो मैं आज यहाँ पे बोल पा रहा हूँ विकास सर की वजह से। मैंने 14 साल में ना तो कभी स्कूल में फ्रेंड पे आया, मैं 14 साल से जॉब कर रहा हूँ, ना तो मैंने कभी ऑफिस में फ्रेंड पे आया, हमेशा पीछे रहा कि कहीं हमें कुछ बोलना ना पड़े, लेकिन विकास सर ने वो ताकत दी हमें तो मैं बोल पा रहा हूँ, थैंक यू विकास सर। और मैं ज़्यादा तो नहीं बोल पाऊँगा लेकिन मैं इतना जरूर कर सकता हूँ कि जो मैंने ये मेरी नेटवर्किंग की फर्स्ट कंपनी है, मैंने जो 14 साल में नहीं किए मैं इस इंडस्ट्री के 4 साल में वो करने आया हूँ, थैंक यू। अब मैं इनवाइट करूंगा, सबसे फास्ट काम कर रहे हैं सर, सबसे फास्ट प्रोफेशनली मैं एडवोकेट हूँ और नेटवर्क मार्केटिंग का जो मेरा एक्सपीरियंस है 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, बहुत ही अच्छी कंपनी जो वर्ल्ड नंबर 1 है उसमें मैं अच्छे लेवल पे था और वहाँ से इसको रिजाइन दे करके एज ए करियर इसको बिल्ड कर रहा हूँ और बहुत ही स्पीडली बिल्ड कर रहा हूँ और 1-2 महीने में अच्छे रिजल्ट आ मतलब कि अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन तो आ ही गए हैं, उसको अच्छे दिन आ गए हैं, अच्छे नोट आने वाले, अच्छे नोट आने वाले, सॉरी। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम सुनीता है और मैं हाउस वाइफ भी हूँ और बिजनेस ओनर भी हूँ और अपने हस्बैंड के साथ मैं इस बिजनेस को अच्छी तरह से रन करने की कोशिश कर रही हूँ। वेरी गुड, जोरदार सेल्स मास्टर ऑल द वे फ्रॉम निमराना विकास गौतम। यंगेस्ट क्या कह सकते, कपल तो नहीं कह सकते, मोस्ट वांटेड बैचलर मिस्टर नितेश मीना। मैं कहूँगा क्योंकि हमारे भी सेल्स मास्टर है ना, और राहुल जी और अंसारी जी और तेमराज जी आए और हमारे साथ जो है सबका स्वागत करें सर, आइए सर, आइए सर, सभी सेल्स मास्टर प्लीज, आइए सर, अरविंद जी।
रिकॉर्डिंग ऑन। यस, हम जोरदार तालियां कर सकते हैं। तालियां कम पड़ गई। यस, आइए सर, देखिए आपके लिए सारी व्यवस्था की गई है, आप बेफिक्र रहिए, चाट पकौड़ी भी है और खाने के लिए अच्छा भोजन भी है, क्योंकि मैंने इसी हिसाब से व्यवस्था की है कि आने वाला समय जो है ना हमारा बहुत अच्छा होगा, अच्छी अच्छी चीज़ें हमें खाने को मिलेंगी जो हमने कभी सोचा नहीं था, वो भी हम जाके इंटरनेशनल टूर पर लेंगे। और अब जो है मैं यहाँ जो है अभी तक किसी ने ऐसे व्यक्ति का इंट्रोडक्शन नहीं कराया, वो अपने आप ही यहाँ चले आए, ठीक है। इन्होंने मुझे वीडियो देखे ना, मेरा गड़बड़ कर दिया, लेकिन मैं भी ऐसे आ जाऊंगा, जिसके अंदर मस्ती मस्ती है, एक ऐसी हस्ती जिसके अंदर मस्ती ही मस्ती है, और आने वाला समय ये मैं अंदर से कह रहा हूँ, उनका ऐसा सुनहरा भविष्य है जो भी उसने उन्होंने इस इंडस्ट्रीज को 18-20 साल दिए हैं, आने वाला एक साल उनके लिए ऐसा अजूबा आएगा कि इतना लक्ष्मी का उनके ऊपर वास होगा जिसका कोई हिसाब नहीं है, और सरस्वती उनके कंठ में हमेशा विराज रहती है। और हमारे इस बिजनेस में पहले ही 3 दिन में सेल्स मास्टर के अहदे में गए, और मैं प्लीज चाहूँगा आप उनका जोरदार वेलकम से यहाँ स्वागत करें, प्लीज वेलकम विषम चौहान एंड पूनम चौहान। आप जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं सभी डायमंड मास्टर से लेकर के इंपीरियल मास्टर हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि ये आज दिन हमारे जीवन में आया, और शायद इसी पल का इंतजार था कि ये जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में तो बहुत सारी कंपनीज हैं, लेकिन जो एटमी इंडिया में आई है, सच बताएं जिसके भी सपने हैं और जो मेहनत करना चाहता है उसके सारे सपने पूरे होने वाले, सारे सपने पूरे होने वाले, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। मेरा नाम ऋषि चौहान है, जैसे कि मोस्ट ऑफ यू जानते हैं, और मैं बेसिकली टीचर था और दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। और पूनम अपने बारे में बताएंगी, उससे पहले थोड़ा सा बता दूँ, मेरे को इस इंडस्ट्री का करीब करीब 20 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप एज पे मत जाना, मैंने बचपन में स्टार्ट कर लिया, ओके। और जैसे कि बताया, अभी नवाब जी ने बताया कि हम वर्ल्ड की नंबर वन कंपनी, सो कॉल्ड नंबर वन कंपनी में बहुत अच्छे लेवल पे थे, जहाँ पे लाखों लोगों का सपना होता है वहाँ पर हम थे, और करीब करीब 2 से 2.5 लाख रुपए का पे आउट था हमारा वहाँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं, पूछते हैं कि आपने एटोमी क्यों ज्वाइन कर लिया, ऐसा क्या है इस एटोमी में, ये उन्हीं हनुमान जी वाली बात हो जाएगी कि चीना फाड़ करके हम नहीं दिखा सकते कि क्या एटोमी है। एटोमी वो है जो भी 1 साल डट करके काम कर लेगा वो इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में कम से कम 2 लाख रुपया महीना कमा जाएगा, 2 लाख रुपया। आप समझते हैं 2 लाख रुपये महीने यदि आप जॉब में चले जाएं, गवर्नमेंट जॉब में चले जाएं, बिजनेस में चले जाएं, क्या अहमियत रखता है। क्योंकि जैसे अभी हमने नितेश जी को सुना, नितेश जी 3 महीने से यहाँ पे कार्यरत हैं, पीछा कोई नहीं देखता कि क्या हुआ, कौन देखता है क्या हुआ पीछे, किसने देखा, कहाँ कहाँ घूमे, किसने मना किया,
आज प्रेजेंट में क्या रिकॉग्निशन मिल रही है, क्या इनकम है उनकी, और आगे आने वाले एक साल में क्या इनकम उनकी हो सकती है, ये देखेंगे आप लोग और हम लोग। उनके लिए जोरदार तालियां। ज़्यादा बड़ी बात हो जाएगी कि मैं पूनम को इनवाइट करूंगा, क्योंकि हम लोग एक और एक मिल करके दो नहीं 11 होकर के काम कर रहे हैं। कोई ऐसा पल और कोई ऐसा सेकंड नहीं गया 19 नवंबर 2019 से कि जिस दिन हमने एटमी के लिए काम नहीं किया। मैं अपने टीम में बहुत सारे लोग हैं, आरएम शर्मा जी, जैन जी, आरती जैन, नवाब जी, एस कुमार जी, ये सब इम्पीरियल मास्टर हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। और ये जो बिज़नेस है, आप दिल से लगा लीजिए बिज़नेस को, बिज़नेस नहीं है, ये जान है। जान से आप कभी भी अलग नहीं हो सकते, कभी भी बिना जान के आप सोच नहीं सकते। तो एटमी इज़ योर लाइफ। ओवर टू यू पूनम जी। थैंक यू सो मच। एंड मैं तो यही कहूँगी कि बहुत एक्साइटमेंट है आज, और हमेशा ही एक्साइटेड रहते हैं हम दोनों को अपने फ्यूचर के लिए, अपनी टीम के फ्यूचर के लिए, है ना, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारी जिंदगियां जुड़ चुकी हैं। और अगर मैं बात करूँ तो ये इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जो कि आप एक नॉर्मल लाइफ में, कहते हैं ना कि किसी भी ऊँचे से ऊँची पोस्ट पर चले जाइए या कितना भी आप बड़ा बिजनेस फील्ड कर लीजिए, आज अंबानी के साथ भी चैलेंज है कि वो पब्लिक के बीच में नहीं आ सकते, उनको हमेशा सिक्योरिटी की ज़रूरत होगी। लेकिन यहाँ हम सेम लाइफ, एक अंबानी, एक सेलिब्रिटी वाली लाइफ को एंजॉय करते हैं। ना सिर्फ फाइनेंशियल लेवल पे हमारी उतनी सिक्योरिटी होती है ना, हमारे सारे ड्रीम अचीव होते हैं, हम लोगों को एक होप देते हैं, हम लोगों की सक्सेस का माध्यम बनते हैं। हम दोनों ही टीचिंग बैकग्राउंड से थे, लेकिन क्या होता था, एक बंद कमरे में बच्चों को पढ़ाया, बच्चे पास हुए, फिर वो कॉलेज में गए, अपने प्रोफेशन में बिजी हो गए, सर कभी मिलते थे रास्ते में तो उनके पैर छू लेते थे, नमस्ते सर जी, बस उसके बाद क्या। उस अचीवमेंट में हमारा बहुत बड़ा योगदान होता है, एक टीचर का बहुत बड़ा योगदान होता है उस बच्चे को सक्सेस कराने में। लेकिन वो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में ये होता है कि भाई फीस को ले ही रहे, इन्होंने स्पेशल क्या करा, उससे उनका भी खर्चा चल रहा था। लेकिन ये एक ऐसी इंडस्ट्री है ना, जब यहाँ पर आप किसी व्यक्ति को सक्सेस कराते हैं, आप उसके साथ अपने घंटे लगाते हैं, दिन रात लगाते हैं, आप उसकी खुशी में शामिल होते हैं, और जब वो आपको गले लगा के बोलता है ना कि यस, कि मेरे अप्लाई किए हैं और मैं इनके लिए बहुत प्राउड फील करता हूँ या थैंक यू करता हूँ, सच बता रही हूँ, उस फीलिंग से अच्छी कोई फीलिंग नहीं है। और यहाँ पर अगर मैं लेडीज़ के बारे में बात करूँ तो सच बताऊँ, नेटवर्क इंडस्ट्री की जो शुरुआत हुई थी ना, वो लेडीज़ से ही हुई थी और लेडीज़ से ही गई थी और लेडीज़ के साथ ही गई थी। एवॉन की बात करूँ, ओरिफ्लेम की बात करूँ, टप्पर वेयर की बात करूँ, तो ये लेडीज़ बिजनेस था, और एक किटी पार्टी में प्रोडक्ट शेयरिंग से क्या हुआ था, बिजनेस की शुरुआत हुई। तो आप हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग जब आपके सामने आया ना एटॉमी, तो आप हमेशा माइंड में ये लेके चलिए कि ये जेंट्स के लिए नहीं है, ये कपल के लिए नहीं है, ये किसके लिए है, ये हमारे लिए है, लेडीज़ के लिए। सच बता रही हूँ कि लेडी जितना अच्छा इस बिजनेस को लीड कर सकती है ना, उतना अच्छा एक जेंट्स भी लीड कर सकता है, क्योंकि हम लोग मल्टीटास्किंग होते हैं, हम एक टाइम पे 10 काम कर सकते हैं, हम घर भी संभाल सकते हैं, हम बच्चों को भी संभाल सकते हैं, हम हस्बैंड को भी मैनेज कर सकते हैं, और हम एक बिजनेस को भी मैनेज कर सकते हैं, यहाँ तक कि हम पूरी दुनिया को मैनेज करने वाले हैं, ठीक है, हम सृष्टि करते हैं। तो है ना, वो जो शादी के बाद, बच्चों के बाद कहीं दब गए ना, उनमें से धूल हटा के एक बार उसको अच्छी तरह से झाड़ के उस अपने जो गाउन है ना, इम्पीरियल वाला, क्वीन वाला, उसे फिर से पहनिए और अपना बैग लेके चले जाइए लोगों के पास, उनको होप देने के लिए कि यस, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे यही बोलूँ कि लास्ट में, कि आसमान नीला होता है, समुद्र का पानी या नदी का पानी नीला नहीं होता, लेकिन वो इस तरीके से उसके ऊपर छाया हुआ होता है कि वो हमें समुद्र का पानी नीला लग रहा होता है ना, नदी का पानी नीला लग रहा होता है। तो सेम एटॉमी को अपने ऊपर इतना हावी कर लीजिए कि जो एटॉमी का ब्लू कलर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना, वो आपके शरीर के लाल रंग को लाल ना करके ब्लू कर दे। और मेरा वादा है आपसे कि अगर आप अपने अप्लाई की संगत में रह के और जो जो काम बताए जाते हैं वो करते रहेंगे, तो आप डेफिनेटली सक्सेस होंगे, और यहाँ पर आपका रिकॉग्निशन हो रहा होगा, और हम आपको फूल माला पहना के तालियां बजा देंगे। नाम लेना चाहूँगा, हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं हमारे अप्लाइंस, स्टार्टिंग फ्रॉम अवतार जी, शैलेंद्र कुमार जी, रवि शर्मा जी, आर के कुकरेजा जी, मेरे बहुत सारे अप्लाइंस, इसलिए मैंने लिख लिया है पहले, कहीं बोलना चाहूँगा, ओके, एंड राहुल राणा जी, विकास गौतम जी,
विकास गौतम जी, अरुण मीना जी, विकास पाठक जी, नितेश मीना जी एंड इंडिया में जाने वाले टी एन सोस्कर जी, थैंक यू सो मच। आप सभी का, पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अब मैं वापस लेता हूँ अपनी होस्टिंग को और मैं यस आज के यंगेस्ट कपल और जहाँ पे आप बैठे हैं रियल में होस्ट, हम तो जस्ट इनवाइट किए गए हैं, रियल में होस्ट सेल्स मास्टर कोइंग डायमंड मास्टर मिसेस दया कुकरेजा एंड आर के कुकरेजा जी को इनवाइट करूँगा। अब 7 साल का जो बच्चा है ही, तो इनकी बरात में तो शायद कोई गया ही नहीं, क्यों ना उस मोमेंट को दोबारा से एक बार रिपीट करें। सारे बरात में तो हैं, सारे बराती के सामने सभी को एक बार फिर नमस्कार। मैंने ना आज इनसे वादा किया है, मैं इनको बोलने के लिए नहीं कहूँगा, नहीं नहीं वो वादा तोड़ दो, ये सिर्फ अपना नाम बताएंगे क्योंकि ये मेरे को इतना सपोर्ट करती हैं, मेरे को 60 साल से कम उम्र में लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। ये जितना मेरे को सपोर्ट करती है ना, आप सोच भी नहीं सकते कि कितना सपोर्ट करती हैं ये, और इन्हीं के नाम से बिजनेस है, मैं तो इनका पीए हूँ जी, ठीक है। और ये सृष्टि करता है, पूनम जी ने जैसे कहा वाकई सही बात है, मैं 5-5 दिन घर से गायब रहता हूँ, बस इनको एक बार फ़ोन करके बता देता हूँ हाँ मैं ठीक हूँ, बस इसके अलावा ये मुझे डिस्टर्ब नहीं करती, इसीलिए मैं ये इस बिज़नेस को बिल्ड कर रहा हूँ, इसीलिए मैं इस बिज़नेस को बिल्ड कर रहा हूँ, और ये इन्हीं का सपोर्ट है जो आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरे हर सुख पति पत्नी का असली सुख जो है ना अब शुरू हुआ है, असली सुख जो है ना यही उम्र, अब आपको कोई पूछने वाला नहीं है, आपके बच्चे भी नहीं पूछने वाले, आपके भाई बहन भी नहीं पूछने वाले, यही बैटल हाफ है, यही जिंदगी का कट्टू सत्य है कि अब जो है समय आया ना, अब इनकी जरूरत, जो पति कुछ थोड़े से वैसे होते हैं ना, मैं भी कभी वैसा था, तो उनको पता लगता है कि इसकी वैल्यू क्या है। तो मैं आप सबसे कहूँगा अपनी वाइफ को लेकर बिजनेस जरूरी नहीं है वो आपके साथ चले, पूनम जी ऋषभ जी का तो स्वभाव ही है कि वो लक्ष्मी हमेशा साथ रहती है, ठीक है, लेकिन घर से भी सपोर्ट मिलता है, बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ऐसा सपोर्ट जो आप सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है, वो सपोर्ट चाहिए आपको और वो मिलता है। क्या खाना है, बाहर कुछ भी खा के आ जाए, घर आते ना दो फुलके हर फुलके से मज़ा आ जाता है, ठीक है, कोई बिजनेस है। और इस बिजनेस में जब हम इंटरनेशनल टूर पे जाएंगे, जब साथ साथ जाएंगे, वो यादें अभी से विजुलाइज कीजिए आप, ठीक है। मैं कहूँगा सिर्फ अपना नाम बता दें, क्योंकि बस और कुछ नहीं कहें, ठीक है, नाम बता दीजिए। मेरा नाम दया कुकरेजा और मैं अपने हस्बैंड के साथ ये बिजनेस कर रही हूँ। थैंक यू, हमारे यंगेस्ट कपल और अभी अभी शादी नहीं है उनकी, थैंक यू सो मच। अब मैं अगले सेल्स मास्टर से बुलाने से पहले मैं इनवाइट करूंगा हमारे ग्रेट लीडर स्पेशल एजेंट डॉक्टर एस कुमार जी को, प्लीज नितेश मीना जी को इनवाइट करूंगा, प्लीज वो फैसिलिटेट करेंगे। इधर नितेश, हाँ फोटो फोटो
थैंक यू सर, आपके पास दो मिनट हैं, आप अपने नाम और जर्नी बैकग्राउंड प्लीज। माय सेल्फ डॉक्टर एस कुमार, मैं नेचुरोपैथी डॉक्टर हूँ और लास्ट 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और दिल्ली का सबसे बड़ा नेचुरोपैथी सेंटर जो कि 10 एकड़ में है, 20 करोड़ का प्रोजेक्ट था, उसको सबको मैंने ही डेवलप किया, और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू लीना जी, फेलिसिटेट करने के लिए प्लीज। यस, जोरदार ताली। अभी हमारे पास केवल 10 मिनट हैं, प्लीज वेट करें, बहुत ही अच्छा लंच तैयार है आप लोगों के लिए। यस प्लीज अरविंद जी। थैंक यू विष्णु जी, और सबसे पहले मैं डॉक्टर मुखर्जा जी को धन्यवाद दूंगा कि जिनकी वजह से आज हम सारे लोग आपस में एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं। साथ में मेरे ग्रेट अपलाइन नीतेश मीणा जी और जितने भी सेल्स मास्टर एजेंट्स, स्पेशल एजेंट्स, उन सभी को थैंक्स जिन्होंने अपना एटोमी में समय दिया और एक अचीवमेंट दिया। लीडर्स मोस्टली जो ज्वाइन हैं उन्होंने लास्ट जो एटोमी का सक्सेस सेमिनार देखा होगा, तो शायद मुझे भी देखा होगा। लीडर्स, कोई भी व्यक्ति कभी भी हमें काम करने से नहीं रोक सकता। कौन रोकता है? वो हम खुद ही अपने आप को रोकते हैं। कैसे रोकते हैं? एक एग्जाम्पल आपको देके मैं मेरे बात यहीं ख़त्म करूँगा। जैसे हम कहीं रोड पर चल रहे होते हैं, बहुत अच्छे सूट वूट पहने हुए हैं, जूते पहने हुए हैं अच्छे, और रोड टूटी भी हो तो क्या हम रोड को पार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? आराम से कर जाएंगे। यदि उसी जगह यदि हमारे जूते टूटे हुए हों, रोड कितनी भी अच्छी हो, और उन जूतों के अंदर एक अंकर भी आ जाए, तो क्या हम रोड को पार कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम परेशान हो जाएंगे, वो कंकर अपने पैर में चुप चुप के फेल करना शुरू कर देगा। इसका सिंपल सा एक भावार्थ है कि हम जब तक हमारे अंदर से मोटिवेट नहीं होंगे, बाहर से चाहे कोई हमें कितना भी मोटिवेट कर दे, चाहे विषम जी कर दें, चाहे कंपनी के MDMO कर दें, चाहे हमारे इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर से वो कर दें, या आपके परिवार वाले दोस्त कितना भी आपको मोटिवेट कर दें, लेकिन जब तक हम इस सिस्टम को डीप से नहीं समझेंगे, हम अपने आप को अंदर से मोटिवेट नहीं करेंगे, अंदर से तैयार नहीं करेंगे, तब तक कोई दुनिया की ताकत आपको चेंज नहीं कर सकती। ये मेरा चैलेंज है। चाहे बाहर वाला आपको कितना भी मोटिवेट कर दे, जब तक आप खुद मोटिवेट नहीं होंगे। थैंक यू लीडर्स, धन्यवाद। बहुत ही ग्राउंड टू अर्थ है, और मैं थोड़ा सा जय गर्म करने वाली बात बता देता हूँ। लगातार 1.5 लाख रुपया महीना उनके बैंक अकाउंट में आ रहा है, ऐसा फील होती है। आपकी जोरदार तालियों से मैं इनवाइट करूंगा ऑल द वे फ्रॉम भीमराना राजस्थान या हरियाणा, आई डोंट नो। प्लीज आए और फैसिलिटेट करें हमारे ऑटो सेल्स मास्टर मिस्टर विकास गौतम जी को। प्लीज यस, दिल से। हाथ यदि खाली हैं तो प्लीज जोरदार ताली। सभी साथियों को नमस्कार। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, नाम विकास गौतम, राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, और कई साल से लगभग 10 से 12 साल से नेटवर्क मार्केटिंग को करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सफलता हाथ में लगी। तलाश थी एक मौके की, एक ऐसे कॉन्सेप्ट की तलाश थी मुझे जो मैं जीवन भर कर सकूँ, आने वाले समय के लिए कर सकूँ, आने वाली पीढ़ियों के लिए कर सकूँ। तो मुझे जाने अनजाने में ये कॉन्सेप्ट मिला एटोमी बिजनेस, जिस बिजनेस ने मेरी और मेरे परिवार की जिंदगी को 90 डिग्री पर बदल कर रख दिया। इस बिजनेस में बोलने जा रहा हूँ कि देखिए, इस कॉन्सेप्ट में कोई बात समझ में ना आए ना सही,
कुछ भी समझ में ना आए कोई बात नहीं, लेकिन एक गलती कभी मत करना, इस बिजनेस से पीछे हटने की गलती कभी मत करना, वरना आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी इसी, आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी। इस बिजनेस में लगातार प्रयास करना है, विश्वास के साथ करना है। आज मीना जी हैं, मेरी भी इनकम अच्छी है, आने वाले 6 महीने से 12 महीने के बीच इतना बड़ा बूम आएगा टोमी बिजनेस का, देखना बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। लाखों लोग, हजारों लोग ऐसे होंगे जिनकी इनकम लाखों रुपये बढ़ेगी। बिलीव करना, इस बात पर भरोसा करना, जिस साथी को इस बात पर विश्वास हो गया आने वाले समय में वो साथी सेल्स मास्टर और डायमंड मास्टर लेवल क्वालिफाई करेंगे। और मैं हर साथी को ये आज बहुत कुछ मीना जी ने बताया, बहुत कुछ समझाया, सिखाया, डॉक्टर कुकरेजा जी ने, भीषण चौहान ने, इन सब साथियों को बहुत अच्छा अनुभव है। इनकी बातों को फॉलो करना और लगातार मन से इस बिजनेस को करना, ये बिजनेस आपको वो देगा जिसके बारे में शायद कभी आप सोच नहीं सकते। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सुनो सीना गदगद हो जाता है। मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने बताया कि हम लोग एमवे से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे भी मैंने सक्सेस देखी थी 21 साल 22 साल 23 साल की लड़की की, और यहाँ पे तो कमाल ही हो गया। 3 महीने में लगभग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 12 से 15 लाख रुपया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कैलकुलेशन कर लीजिए, 4 से 5 लाख रुपया पर मंथ की इनकम। और ये तो अभी शुरुआत है, ये तो अभी आगाज है। 3 महीने का बच्चा है एटोमी, 3.5 महीने का बच्चा है एटोमी। स्पेशली मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो थोड़ा सा विजन दें कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं हम कितनी बड़ी सफलता हम लोग ले सकते हैं, क्या क्या काम करने हैं। प्लीज़ सर, मैं इनवाइट करूँगा नितेश मीना जी को और इन्वाइट करूँगा कुकरेजा जी को कि प्लीज़ उनको फैसिलिटेट करें फ्लावर्स के साथ। तो एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ, वेलकम बोलो। जितने भी मास्टर्स, जितने भी अचीवर्स जो आपने देखे होंगे, अभी तो ये ट्रेलर है ना, बोलते ना कि जब मूवी लॉन्च होती है उससे पहले क्या लॉन्च होता है, ये तो ट्रेलर था। अभी तो सिर्फ अटोमी 3.5 महीने का एक छोटा सा बच्चा, अभी तो इसको चलना भी नहीं आता, अभी तो मतलब कुछ भी नहीं, अभी तो थोड़ा सा नॉर्मल हलचल आप इसको बोल सकते हैं। जिस दिन इस एटोमी इंडिया को 1 साल पूरा हो जाएगा, यानी कि 11 नवंबर 2021 की अगर मैं बात करूँ, जब हमारी असली मूवी जब हम लॉन्च करेंगे, तो आप लोग है ना इतना प्राउड फील करेंगे कि यार गलती से सही, हम एक सही कंपनी में आ चुके हैं। ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ 3.5 महीने कंपनी की, अगर अचीवमेंट्स आपको बताऊँ, तो जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था तो बहुत बड़े चैलेंजेस हमारे साथ थे। हमें उस समय विश्वास नहीं था कि शुरुआती समय में इतना बड़ा काम कर देंगे, लेकिन आज आपको मैं प्राउड के साथ बता रहा हूँ, अभी तक एटोमी इंडिया ने 550 ऐसे लोग तैयार किए हैं जो 1 लाख रुपये एवरी मंथ कमा, 1 लाख। अभी तो सिर्फ 3.5 मंथ हुए कम्प्लीट, अभी तो ये चलना सीख रहा है, चलना तो अभी शुरू किया ही नहीं है इसने। और अगर मैं बात करूँ करीब करीब 70 लोग ऐसे हैं जो 3 से 5 लाख रुपये महीने की बात करें, हर महीने उनकी घरों में मिनिमम 3 लाख से अभाव पैसा जा रहा है, जिनमें काफ़ी लोगों से आप मिले होंगे यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट अगर मेरी बात करूँ, तो जब मैं स्टडी कर रहा था तो मैंने माइंडसेट किया था 3 से 5 हज़ार महीने कमाने का, तो घर वाले बोल रहे थे कि तू अच्छी जॉब लग जाएगा, 30 से 40 हज़ार महीने कमाएगा। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया मुझे विश्वास नहीं हुआ था इतना आ सकता है, लेकिन 11 नवंबर 2020 जब कंपनी हिंदुस्तान में लॉन्च हुई, मेरे पहले दिन की इनकम 1,20,000 रुपये फर्स्ट डे की हुई। मैंने कहा बाबा टेंशन ना लो, हम उस कंपनी में हैं जो वर्ल्ड की नंबर वन कंपनी बन गई, इसलिए पैसा आना पॉसिबल है। तो इस कंपनी पे ट्रस्ट करें, अपने क्लाइंट अप्लाइनों पे पूरा ट्रस्ट करें, अपने प्रोडक्ट पे ट्रस्ट करें। देखो ऑटोमोबाइल बिजनेस के अंदर सबसे बड़ा जो सीक्रेट है ग्रोथ का, वो क्या है, हमारे ही प्रोडक्ट। अब नेटो मार्केटिंग जब हम स्टार्ट करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले मार्केटिंग प्लान बताते हैं, जबकि हम ये गलत कर रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या बताना है, क्योंकि अगर आपने किसी
किसी इंसान को प्रोडक्ट के साथ अगर ज्वाइन करवाया जिंदगी भर आपके साथ रहेगा। अगर किसी को मार्केटिंग प्लान या इनकम दिखा के अगर आप मोटिवेट करके फिर अगर बिजनेस ज्वाइन करवा रहे हैं तो कुछ समय तक वो आपके साथ रहेगा। जब तक इनकम आएगी तब तक आपके साथ रहेगा, बाद में बिजनेस को क्या कर देगा, क्यूट कर देगा, छोड़ देगा इस बिजनेस को। लेकिन अगर एक बार आपने प्रोडक्ट के साथ बिजनेस को स्टार्ट करवा दिया, आप काम करे ना करे वो इंसान हर महीने प्रोडक्ट बाय करेगा और हर महीने आपके घर में क्या आएगी, आमदनी। तो ऑटोमेटिक बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट है ना वो 80% आपकी ग्रोथ तय करेगा। तो मैक्सिमम लोगों को क्या करना है, आपको प्रोडक्ट रिकमेंड करना है, प्रोडक्ट यूज करना सिखाना है, क्योंकि हमें आदत डालनी पड़ेगी। हम क्या करें, प्रोडक्ट खरीद तो है इधर से रिटेल कर देते हैं, इतने लोग ऐसे जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं ना, कुछ लोग ऐसे हाथ कर रहे हैं, शायद हो सकता है उनको डर है सही है कि नहीं है भाई, मैं कर भी रहा हूँ और नहीं भी कर रहा, बहुत बढ़िया है, पर सबके लिए जबरदस्त ताली बजाएं। मतलब आपको क्या करना है, सबसे पहले यूज द प्रोडक्ट, क्योंकि हम जब तक यूज नहीं करेंगे ना हम उसकी क्वालिटी को फील नहीं कर पाएंगे। अब कोई इंसान जैसे आपको बता रहा होगा कि हमारा हेयर ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, अब जिसने यूज किया उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस किसी का नहीं होगा, क्योंकि जो हम यूज करके जो फीलिंग हमारी कनेक्ट होती है ना प्रोडक्ट के साथ, वो सबसे बड़ा मोटिवेशन होगा आपके लिए। अगर आप यूज कर रहे हैं दैट मीन अल्टीमेट रिजल्ट है। मैंने देखा काफ़ी सारी बाथरूम के चेहरे बदल गए है ना, और वो बोलते हैं पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है। मैंने जयपुर के अंदर एक बंदे को यहाँ पे ये वाला जो शैम्पू है हमारा हर्बल, ये मैंने उनको दिया, मैंने कहा ये प्रोडक्ट आप यूज़ करो और मुझे इसका रिजल्ट बताना है। आपको यकीन नहीं होगा, नवंबर में मैंने प्रोडक्ट दिया था, जनवरी में उनका ख़त्म हो गया और मेरे पास रात को 9 बजे कॉल आया, नितेश जी बोला हर्बल शैम्पू है क्या, मैंने कहा बताओ क्या बात है, बोला रात का खाना तो मुझे खाना है तो हर्बल शैम्पू पहले घर में देना। इतने फैन हो रहे हैं लोग, क्यों हो रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट में क्या है, क्वालिटी है। और अभी तो हमारे पास कुछ ही रेंज है, जिस दिन एटोमी इंडिया हेल्थ के प्रोडक्ट लॉन्च कर दी उस दिन हम इतना बड़ा काम करने वाले हैं, आप सोच नहीं सकते। अगर आपकी अभी 3 लाख की भी हो रही है तो आपकी 7 लाख 15 लाख की मैचिंग स्टार्ट हो जाएगी, आपकी 24 लाख एवरीडे की मैचिंग स्टार्ट हो जाएगी। अभी मैं बताऊँ, मैं एवरीडे की जो मेरी इनकम है, एवरीडे जो मैं महीने की सोचता था वो मुझे पर डे का, जितना मैं महीने का सोचता था उतना मेरा पर डे का आता है। कभी मेरा आता है 16,000, यानी कि 15 लाख की मैचिंग होती है, 24 लाख की होती है, कभी भी 7 लाख की मैचिंग होती है। एवरीडे की इनकम 39,000-40,000 रुपये टच कर जाता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट में क्या है, पावर है। हमें नहीं है ना ही, ये जितने लीडर काम कर रहे हैं इनमें दम नहीं है, किस में पावर है, सिस्टम में पावर है। जैसे किसी को चांद पे जाना है और मैं किसी को साइकिल दूँ और बोलूँ चांद पे चले जाओ, कब तक पहुँच जाएगा बंदा, 2 साल 10 साल 20 साल, कभी भी नहीं पहुँच सकते। और उसी को मैं बोलूँ भाई ये लो रॉकेट आप चांद पे जाने, तो क्या बोलेगा, बोला अभी लो थोड़े दिन में हम चांद पे मिलेंगे आपको। तो ये क्या है, रॉकेट है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर कंपनियां तो बहुत सारी है, लेकिन जितनी स्पीड से एटोमी बिजनेस ग्रो कर रहा है पूरी दुनिया के अंदर, उतनी फास्ट आपको कोई भी कंपनी ग्रोथ करती हुई नज़र नहीं आएगी। और सबसे अच्छी बात क्या है कि हमारा किसी से कंपटीशन नहीं है। मार्केट में आप जाएंगे तो मैक्सिमम कंपनियां वो उसकी बुराई कर रहा होगा, उसकी बड़ाई कर रहा होगा, उसकी कर रहा होगा। हम किसी की बुराई भी नहीं करते, किसी की अच्छाई भी नहीं करते, क्योंकि हमारा खुद से कंपटीशन है। हम रीराइट स्पीड पे वर्क करते हैं। अब आपको मैं एटोमी का विजन बताता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो है पॉसिबल क्यों होने वाली है, क्योंकि मुझे नहीं पता कितने लोगों को इस कंपनी का विजन क्लियर है, इस कंपनी के विजन के बारे में पता है। क्योंकि अगर कोई इंसान प्री लॉन्चिंग में काम करके अगर यहाँ तक आ सकता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं विजन का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप लोग आज अगर विजन क्रिएट करेंगे, अपना विजन अगर स्ट्रॉन्ग बनाएंगे तो डेफिनेट अगले 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर, 5 साल के अंदर आप बहुत बड़े लेवल पे जा सकते हैं। विजन क्या है, सबसे पहले मैं कंपनी का टारगेट आपको बता रहा हूँ, 2025 तक कितने साल अपने पास, अभी 4-5 मान सकते हैं, 5 साल मान सकते हैं। अभी कंपनी का टारगेट है अगले 5 साल के अंदर 13 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान में जोड़ना। कितने लोगों को, जबकि मैं आपको बताना चाहता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर ओनली 5 करोड़ लोग अब तक इस इंडस्ट्री में क्या कर रहे हैं, 5 करोड़ में से 60% लोग वो हैं जो बोलते हैं 1,000 लगाओ हर महीने 100-100 आता रहेगा, यानी कि इन्वेस्टमेंट वाली। तो अपने पास कितने लोग बचे, 40%, यानी कि 40% लोग ही हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सिर्फ प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री में क्या करते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करते हैं।
तो अगर हम उन्हीं लोगों पे काम करेंगे तो घुमा फिरा के वहीं रह जाएंगे। कहाँ पे? 40% लोगों पे। तो कंपनी ने क्या अपना विजन बनाया कि अगर हम इन लोगों पे काम करेंगे तो मैक्सिमम 3 से 4 करोड़ या 5 करोड़ लोगों तक जा सकते हैं। लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, हमें कंज्यूमर क्रिएट करना है। क्या करना है? कंज्यूमर। हिंदुस्तान के अंदर अगर मैं बात करूँ तो 134 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन है। अगर उसका 10% अगर इकोनॉमी में आ जाता है उस दिन अपनी कंपनी में कितने कंज्यूमर हो जाएंगे? 13 करोड़। और जिस दिन 13 करोड़ लोग हर महीने अगर एक मतलब ओनली 100 रुपये का सामान भी खरीदेंगे तो कितना बड़ा टर्नओवर होगा इस कंपनी में। और आपको पता है कि कंपनी अपने टर्नओवर का 35% पैसा बांट देती है। पहला टारगेट क्या है? 13 करोड़ लोगों को ज्वाइन करवाना। अगला हमारी कंपनी का टारगेट है 1000 स्कूल ओपन करना। क्या टारगेट है? जिसमें ऑलरेडी हमारी कंपनी ने एक स्कूल लाइव भी कर दी है। कर्नाटक के अंदर कंपनी ने एक स्कूल ओपन की है जिसका नाम है ड्रीम स्कूल। क्या है? जहाँ पे क्या होगा, मिडिल क्लास एंड उससे लोअर कैटेगरी के जो लोग हैं उनको पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक कंपनी फ्री ऑफ एजुकेशन क्या देने वाली है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट उनको एजुकेशन देने वाली है। ऐसे 1000 स्कूल इंडिया में ओपन होगा। सोचो जिस दिन 1000 स्कूल यहाँ पे ओपन हो जाएगी इस कंपनी को कौन नहीं जानेगा। अगला हमारा कंपनी का टारगेट है तीसरा, अजामोल के थ्रू 1 लाख प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड वाइड लॉन्च कर। अजामोल के बारे में कितने लोग जानते हैं? क्या है जी अजामोल? शॉपिंग मॉल, एक ऐसा मॉल जहाँ पे सब कुछ आपको मिलेगा। मतलब आपका जो सेंटर का नाम है A to Z सेम वैसे ही हमारा अजामोल काम करता है। यहाँ पे हर प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। वैसे ही हमारे अजामोल पे गुड मॉर्निंग से लेके यानी कि सुई से लेके जहाज तक आपको प्रोडक्ट मिलने वाला है, वो भी मार्केट में जो अवेलेबल है, जो ब्रांडेड प्रोडक्ट जो मार्केट में अवेलेबल है वो सारे के सारे प्रोडक्ट हमारे अजामोल पे आने वाले हैं। हमारे प्रोडक्ट चाहिए तो ऑटोमी मॉल पर आप जा सकते हैं, मार्केट प्रोडक्ट चाहिए तो अजामोल पर आप जा सकते हैं। कोरिया के अंदर अभी अजामोल ऑलरेडी 30,000 प्रोडक्ट के साथ काम कर रहा है। अगर आपको ताज़ा सब्जी चाहिए शाम को ऑर्डर करो सुबह घर पे, इतनी फास्ट डिलीवरी है, इतनी फास्ट। और कंपनी का टारगेट है कि सेम डे डिलीवरी के ऑप्शन पे हम काम करें। सेम डे आज ऑर्डर किया आज ही कंपनी प्रोडक्ट आपको डिलीवर कर देगी। तो ये कॉन्सेप्ट आप हो सकता है अगले 3 साल में इंडिया में आ जाए, अगले 5 साल में भी आ जाए, इसका कोई समय फिक्स नहीं है। बट हाँ, अजामोल पूरी दुनिया में कंपनी ग्लोबलाइज इसको लॉन्च करने वाली है। इसके अलावा कंपनी का अगला टारगेट है आपके नियर बाई जो भी एजुकेशन सेंटर है वहाँ तक कंपनी प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँचाने की प्लानिंग कर रही है। मतलब आपके नियर बाई सेंटर में आपके प्रोडक्ट पहुँच जाएंगे, वहाँ से आप आओ मीटिंग भी करो साथ में प्रोडक्ट भी अपने लेके चले जाओ। तो अभी कंपनी इस पर काम कर रही है। मैं अगर जयपुर की बात करूँ तो कंपनी सिर्फ 2 दिन में प्रोडक्ट पहुँचा रही है। मतलब इतना स्पीड से हमारा जो लॉजिस्टिक टीम है या लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट वो काम करना और क्या कर चुका है स्टार्ट। मतलब 3 शिफ्ट में अभी उन्होंने कंपनी ने अपडेट किया है, 3 साइकिल में हमारा डिलीवरी प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। मतलब आपको भी काम चलता है, 6-6 घंटे की 3 साइकिल कंपनी ने बनाया है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट की जो स्पीड है वो कंपनी ने बढ़ा दी है। और आप सब लोगों का इंतजार होगा हमारे जाने वाले प्रोडक्ट हिमोई। कितने लोग हिमोई के बारे में सुने हैं? यानी कि हेल्थ की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी ने टारगेट बनाया Q2 से पहले हम हिंदुस्तान के अंदर 4 प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे हेल्थ सप्लीमेंट। और जिस दिन ये 4 प्रोडक्ट लॉन्च होंगे उसी दिन आप लोगों के घरों में लाखों रुपये आना स्टार्ट हो जाएगा। तो एंड करता हूँ और आगे फिर से इनवाइट करना चाहता हूँ विषम सर को। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। अगर मैंने मुझसे कोई गलत बात मिली तो छोटा भाई समझ के माफ़ कर दीजिएगा, और अगर अच्छी बात लगी तो उसको बोल के पी जाइएगा क्योंकि वही आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। थैंक यू। समराइज स्पीक के लिए मैं बुलाना चाहूँगा हमारे क्यूट से अपलाइन अरुण मीना जी। यस, मैं ये खुद ही लगा लेता हूँ। सब
कुछ बोल चुके हैं सारे लोग, आपको एक बार बोलना है जय हिंद। अभी तक किसी ने नहीं बोला था, ये बहुत ज़रूरी है। हम सब लोगों को एक ही चीज़ सुननी है, आज नितेश मीणा जी 5 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं, क्या कोई बता सकता है कि 3 साल बाद उनकी इनकम क्या होगी? कोई सोच सकता है? फिर भी कोई बोलना चाहेगा कितना? 1 साल के बाद 1 करोड़ महीना, 1 करोड़ रुपए महीना, कोई सोच भी सकता है? सालों में भी नहीं सोच सकता, और वो महीने में लेने वाले हैं। पॉसिबल है कि हाँ पे कहीं नहीं है, जिसको लगता है नहीं है वो अपने अपलाइन के साथ बैठे बात करें, उनसे पूछे कैसे, कहते हैं ना अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। अगर अगर कमाने हैं तो कमाने हैं तो थोड़ा सा आपको प्रयास करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। जो सीखेगा वो जीतेगा, मतलब अर्निंग से पहले लर्निंग, लर्निंग का केवल एल हटेगा और अर्निंग शुरू। तो धन्यवाद, थैंक यू, बहुत टाइम हो चुका है, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, और सबसे ज़्यादा जोरदार तालियां विषम सिंह के लिए, क्योंकि इतनी मेहनत और कुछ नहीं कर सकते। थैंक यू, थैंक यू सो मच। अब आप सभी का स्वागत है, आप लंच के लिए इनवाइटेड हैं, प्लीज़ एक एक करके आप आइए, और थोड़ा थोड़ा जो भी आपको लगता है प्लीज़, थोड़ा नहीं ज़्यादा खुद आइए। कहीं भी अपना फोन फोन रुक जाओ, मैं इसी से लेता हूँ। आप कुर्सी पे चढ़ो, विषम कुर्सी पे चढ़ो, हाँ कुर्सी पे चढ़ो, देखो कैसी अच्छी आएगी, देखो हाँ टेंशन नहीं लो। हाँ